अभी जर्नलिस्टों ने पीछे ही उनकी डेथ हुई है, तो गोपाल सरकर जी आप उनके पास जाइए, वहां से आपको कुछ मिलेगा। तो मैं उनके पास चला गया, तो उन्होंने भी मुझे ऐसे ही सोचा कि ये नया नया लड़का कोई ऐसे ही पार्टी में जुड़ा होगा और इसे कोई शौक जागा होगा, इसने करना कराना कुछ नहीं है, तो काम का अपना टाइम जाया करेंगे। लेकिन मैंने उनके घुटने छोड़े नहीं, मैं रोज उनके चरणों में बैठ जाता था और मुझे भेज जागी कि जहां से कुछ मुझे मिल जाएगा। और टच मुड़ के उन्होंने मेरे सिर पर जो हाथ रखा, आज जो फाउंडेशन डे मनाने की कगार पर मैं हूं और आप सामने आपके सामने बोलने की बोल रहा हूं और सक्षम हूं, तो वो सिर्फ उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पर मैं चला। और वो खाली शाम मेरे को ये बताते थे कि रियासी के पुराने इलाके में पुराना एक्टिविस्ट था, प्रजा परिषद का, उसके उस वक्त उन्होंने कांड काट दिए थे, तो उनको मरे हुए तो 20-25 साल हो गए होंगे, लेकिन उनके घर में कोई इतिहास मिलेगा। तो मैं दूसरे दिन, मेरी मैडम भी जहां बैठी है, मैं झूठ बोल के घर से निकल जाता था कि मैं अभी जा रहा हूँ, टिफिन अपनी गाड़ी में रखता था कि मैडम ऑफिस में, क्योंकि जब भी सर्विस करते थे और 5-6 बजे घर आना, तब तक तो मैं भी वापस आ जाता था। तो मैं सुबह सुबह निकल जाता था रहती जहां उधर पहुंचा, कहीं भी उन्होंने मुझे बताया। और इस तरीके का हमारा सफर रहा। और जब हमने उस मटेरियल को इकट्ठा किया तो वो एक किताब का स्वरूप बनने लगा। और मुझे मेरे जो चेहते थे, जो मुझे चाहने वाले थे, उन्होंने कहा कि एक अच्छी किताब बन सकती है। तो मैंने कहा चलिए आप मेरा साथ दीजिए। तो इस तरह बैठे बैठे एक किताब का निर्माण हो गया। फिर शोक जाग गया कि कुछ और भी लाइब्रेरी का कुछ करना चाहिए। तो करते करते सफर में हमने 7-8 पुस्तकें मेरे हाथों से लिखी गई। और एक अपने आप को मैं सुनता हूँ कि भगवान ने जो मुझे कार्य सौंपा और पार्टी ने जिस काबल मुझे समझा, जो दायित्व दिया, उसका निर्वाह मैं अच्छे तरीके से कर पाया, जो आज आप लोग सभी जहाँ बैठ के दर्शा देख रहे हैं। मैं आज जहाँ हमारे बीच सभी लोग बैठे हैं, प्रमुख लोग बैठे हैं, मैं इनसे ही हम सब कुछ इनका मार्गदर्शन लेंगे। मैं खाली लाइब्रेरी के प्रति जो आपके सामने समक्ष रखना चाहता था कि लाइब्रेरी एक ऐसी जगह, आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि हमें, ठीक है, जब फील्ड में हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमें फील्ड में जाके नारे भी लगाने हैं, लोगों से मिलना भी है, लोगों से बातें भी करनी है, लेकिन जब तक हम तथ्यों पर ना उतरेंगे तब तक हमारा कुछ भी कहना वो बेसलेस होगा। जब हम तथ्यों पर बात करते हैं, आज आप देखते हो कि हमारे मीडिया के ऊपर डिबेट होता है, जहां भी कहीं बीजेपी का कार्यकर्ता बैठ के डिबेट करता है, सुधांशु चतुर्वेदी को आपने सुना होगा, या और भी बड़े सारे लोगों को आपने नेशनल टीवी पर भी देखा होगा या लोकल टीवी पर भी देखा होगा, हमारा कार्यकर्ता कभी हार नहीं मानता। क्योंकि कार्यकर्ता वो सक्षम है, वो पढ़ के और तथ्यों के आधार पर बात करता है। बाकी के लोग, बाकी पार्टियों के लोग भी देखो, वो तरह तरह की बातें ऊट पटांग बोल के चले आते हैं और लोग उनको देखना भी पसंद नहीं करते। अगर वो लोग बैठे होते, लोग टीवी बंद कर देते हैं। क्योंकि आज लोग पढ़े लिखे हैं, लोग सब जानते हैं कि जो तथ्यों के आधार पर जो सच्ची बात होगी कोई बोलेगा तो उसको हम लोग सुनेंगे, पसंद भी करेंगे और उसका ज्ञान भी लेंगे। तो इस तरीके से जो लाइब्रेरी जो होती है, जो हमारे प्रधानमंत्री और अमित शाह जी जब 2014 में हमारी सरकार बनी, तो उनका पहला मिशन यही था कि हर कार्यालय में हमारी लाइब्रेरी होनी चाहिए। लाइब्रेरी का मतलब ये नहीं कि लाइब्रेरी हमने कोई स्कूल वाले बच्चों को एजुकेशन देनी है। हमारा कार्यकर्ता सक्षम होगा जब लाइब्रेरी में बैठ के पुस्तकें पढ़ेगा, उनको नॉलेज मिलेगी। कल को जिस तरह आज मैं जहां स्टेज पर बोल रहा था, कल मैं, मेरी टांगे कांपती थी, मैं कभी 10 लोगों के सामने खड़ा होकर मुझे बोलना पड़ता था तो पहले मेरी टांगे और बाजू इस तरह कांपते थे, पता नहीं क्या मैं बोल दूंगा। लेकिन इस तरीके से आज ये लड़की, इसको 10-15 दिन हो गए इसको ट्रेन करते करते, आज आपके सामने इसका फर्स्ट टाइम यानी कि मंच संचालन किया और मैं देख रहा था कि बिना खौफ बोल रही थी। इस तरीके का निर्माण हम करना चाहते हैं, इस तरीके के कार्यकर्ता हमारा आगे निकलना चाहिए, इस तरीके की लाइब्रेरी से ये चीजें निकलती है। बाकी हमारी जहाँ बहने बैठी है सब जानते हैं, कोई भी एक अंजू करके, अंजू डोगरा, उनको विस्तारक बनाया गया, तो वो रोज मेरे पास आने लगी कि भैया मैं फील्ड में जाती हूँ, लोग पूछते हैं मैं क्या बोलता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। तो बैठे बैठे मैं और अशोक कौल जी, हमारे माननीय संगठन मंत्री जी, हम प्रमंडल जा रहे थे और रास्ते में विचार किया। रास्ते में सोचते सोचते हमने कुछ ऐसा विचार बना दिया कि एक छोटी सी पुस्तक बना दी जिसका 3 लैंग्वेज में उसको लिखा, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में। तो वो किताबें दी और उससे कार्यकर्ता हमारा सक्षम हो गया, क्योंकि जो थोड़ी सी बातें होती तथ्यों के आधार पर कहीं भी आप बोलोगे तो लोग आपको सुनेंगे और लोग उसके ऊपर यकीन करेंगे। तो लाइब्रेरी एक सबसे महत्वपूर्ण जगह है। मैं आप सबसे भी ये कहता हूँ आज फाउंडेशन डे के ऊपर, हमारे कार्यकर्ता सभी, लाइब्रेरी चाहे आपकी कार्यालय की लाइब्रेरी है या कहीं भी आपको कहीं भी कुछ लाइब्रेरी के तहत जिनका पुस्तकें मिले उनको जरूर पढ़ना चाहिए। और हर व्यक्ति को रोज के 2 पेपर जरूर पढ़ने चाहिए, चाहे वो उस पर एडिटोरियल किसने लिखा हो, चाहे कोई भी न्यूज हो, किसी भी न्यूज को ऐसा मत समझो, क्योंकि जिसने लिखाई है या जिसने लिखी है उसने मेहनत करके लिखी है, उसको पढ़ो, उसमें से हो सकता है 2 लाइनें आपके काम आ जाए और कहीं ना कहीं वो आपका जीवन बदल दे। तो
इस तरीके का हमने जो लाइब्रेरी का एक सफर शुरू किया था, आज इसका 6th फाउंडेशन डे हम मना रहे हैं और आप सभी का। Thank you.